वो कह रहे हैं ओवैसी आपकी गोदी में बैठे हैं, इसलिए गठबंधन की नौबत आ रही है। दो, केवल ओवैसी नहीं, वो तो कह रहे हैं ईडी सीबीआई के साथ भी आपका गठबंधन है, आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। प्रमाणित है, ये तो प्रमाणित है। ऐसा है रोहित जी, वर्दी की साख, वर्दी का सम्मान ममता बनर्जी क्या जाने, इनके राज में तो पुलिस अधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के, हमने देखा था, वर्दी प्रदर्शन कर रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी तो ममता बनर्जी और ओवैसी जी में तय होना है बड़ा मुसलमान कौन है, कौन ज्यादा दुलत्ती खा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी कहती है मुसलमान दूध देने वाली गाय है, मैं तो दुलत्ती खाऊंगी। तो दुलत्ती आप गाय की भी खाएंगी और जनता की भी खाएंगी। हम लोग तो दिल जीतने आए हैं, सेवा करेंगे, और कोई ताकत नहीं है जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक ले, चाहे जितनी सांप्रदायिक राजनीति कर ले। अभी कल ही की बात है, इनके नेता है सिद्दीकुल्ला चौधरी, आप बताइए, वैक्सीन का ट्रक जा रहा था वहां की जनता के लिए और वो रोक रहे थे। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त और ममता बनर्जी मस्त, वो मस्त है अभी। ओके, तो आसिफ खान, डर लग रहा है टीएमसी को? देखिए, जो डर गया वो मर गया, तो जो लोग डरते हैं वो राजनीति में फिर नहीं रहते हैं, उनको इलेक्शन भी फिर लड़ने का जगह नहीं रहता है। अभी जो आप जिस स्टेटमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं स्वागत राय का, वो असल में एक सेंटिमेंट है जो मालदा में और मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में, जहां पे कांग्रेस पार्टी का कुछ चहल पहल है, ऐसे इलाकों में ये एक सेंटिमेंट है, लोगों का सेंटिमेंट है कि जो सेक्युलर वोटर्स हैं उनके 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 वोट्स को डिवाइड ना किया जाए, आप लोग मिल करके क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसी पब्लिक सेंटिमेंट को लेकर के स्वागत राय ने एक कमेंट किया है, इलेक्शन के इतने करीब आकर के तो कोई अलायंस फॉर्म नहीं करता है, गठबंधन बनाने का वक्त तो चला गया, लेकिन फिर किसने कहा सर कि वक्त चला गया? का बेट है ये, कैसे तय हुआ कि वक्त चला गया? इसके लिए कोई डेट शीट थोड़ी ना बनती है कि गठबंधन 9 महीने पहले होना चाहिए तभी उसके बाद सरकार पैदा हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना? तो आसिफ जी, आप नहीं, आप नेताओं के कमेंट सुनेंगे नेताओं के तरफ से, और जो लोग विश्लेषण जो करते हैं बैठ करके, आप उनके बातें को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कितने सीरियस हैं अपने कमेंट को लेकर के, या इसके पीछे क्या वजह है। वजह सिर्फ यही है कि ये लोगों का सेंटिमेंट है, और ये खास तौर पे कह दिया जाता है मुस्लिम, तो सिर्फ ये मुस्लिम नहीं, ये जो बंगाल भद्रो लोग जिसको हम लोग कहते हैं, भद्रो सोसाइटी जिसे कहते हैं, जो कि सेक्युलर वोटर्स हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं होते, नॉन मुस्लिम। सेक्युलर का मतलब क्या है? वो जो आदमी आपको वोट नहीं देगा वो सेक्युलर नहीं है, पहली चीज। ये डेफिनेशन आपने कैसे तय की? और सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोगों को डरा रहे हैं कि हम तुम्हारा सर्टिफिकेट खारिज कर देंगे सेक्युलरिज्म का अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो? नहीं नहीं, देखिए, जो लोग नत्थूराम गोडसे के मानने वाले हैं उनको नॉन सेक्युलर माना जाता है। तो नत्थूराम गोडसे जो है वो हमारे देश के सबसे पहले बड़े आतंकवादी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी का खून कर दिया गया। देखिए, तौसीफ खान, वहीं से जाना नहीं चाहते मैं नत्थूराम गोडसे से पहले कोई आतंकवादी हुआ कि नहीं, और जो हुआ मैं बता दूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे, इसलिए बेहतर है जिस मुद्दे पे बहस हो रही है उसी मुद्दे पे रहा जाए। आप क्योंकि खींच के उसको कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, आप जिस धार्मिक एंगल पे ले जाना चाह रहे हैं उस धार्मिक एंगल से इधर, इस वक्त सीधा सवाल ये है, धार्मिक है ही नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सेकुलर लोग वोट करें तो हमारी तरफ आके करें संगीत रागी, इसका मतलब क्या है फिर? क्या इसका मतलब यह कि जो इनको वोट नहीं देगा वो सेकुलर नहीं है? जो पार्टी इनके साथ नहीं आएगी उसका सर्टिफिकेट फाड़ देंगे लोग? 70 साल रोहित जी, यही तो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, और 70 साल का भारतीय राजनीति का सेकुलर विमर्श यही है कि मुसलमान वोट सेकुलर है और हिंदू वोट यदि गोलबंद हो जाता है तो वो कॉमनल है। यदि ओवैसी यदि बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि देखिए बहुत गलत हो रहा है क्योंकि सेकुलर वोटों मुसलमानों का वोट बिखर जाएगा। लेकिन यदि यही भारतीय जनता पार्टी कह दे कि बंगाल के हिंदुओं किसी अन्य पार्टी को वोट मत देना, यदि तुम्हें अपनी अस्मिता गौरव और अपने अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीजें नैरेटिव जो है वो कॉमनल हो जाएगी।
देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाला जो चुनाव है वो त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है, जिसमें एक भारत में एक गोलबंद पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और दूसरा में भारतीय ओवैसी की पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से दोनों चुनाव लड़ेंगे। देखना यह है कि कितनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीतती है। मुझे ऐसा लगता है कि 130 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, मुस्लिम वोट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। वैसी जगहों पर ओवैसी की पार्टी जीतती है या तृणमूल कांग्रेस की पार्टी जीतती है। तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी यही है कि यदि ओवैसी की पार्टी उन 130 सीटों पर लड़ती है तो हो सकता है कि उसमें से आधी सीटें जो है वो उनको उनके हाथ से निकल जाए। दूसरी बात जो है वो उनको ये साफ साफ दिख रहा है कि 41% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के समय आया था और लगभग उतना ही प्रतिशत वोट 41.8% तृणमूल कांग्रेस को आया था। ऐसी स्थिति में उस समय से आज के दिन में बंगाल की सोसाइटी में ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी को साफ दिख रहा है हार उनके लिए सामने दरवाजे पर आकर के खड़ा है।